हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो है मैं कल 50 प्रश्नों का जो है मैं कल जो है प्रैक्टिस कराया था, जिसमें यहाँ तक हम लोग जो था इस प्रश्न तक हम लोग जो था चर्चा कर चुके थे कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो आप सभी जानते हैं, मैं कल भी बताया था कि हंटर आयोग की जो नियुक्ति थी जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। जालियावाला जो बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे काफ़ी बार जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस हत्याकांड में जो था हंसराज नामक एक भारतीय ने जो था डायर को सहयोग भी दिया था। और इसमें था जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो था निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर एक सभा हो रही थी, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो था निर्मम हत्या हुई थी। आज भी आप जालियांवाला बाग में जाएंगे तो आज भी वो गोली के निशान आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ तक जो था हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, प्रैक्टिस कर चुके थे। तो हाँ, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल की बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। हम लोग पास समय काफ़ी कम है, तो कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए काफी जो होगा सहायक सिद्ध होगा परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार को जो था लूटा था। चार ऑप्शन आपके, लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जेम्स सेन गुप्त। देखिए, इससे आपके दो प्रैक्टिस करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपको खुद को आपको आंकने का मौका मिलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, और उसके अलावा जो भी आपका सस्पिशन होगा, जो भी आपकी तैयारी। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट का प्रश्न आप लोग कभी ना कभी इसको जरूर रीडिंग करेंगे होंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे इससे आपकी क्या होगी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इसका सही जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन आप सभी जानते हैं कि सूर्यसेन को जो था 1934 में जो था फांसी दिया गया था। और 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो था पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर भी बम फेंका था। तो चटगांव शस्त्रागार को जो लूटा था आपका सूर्यसेन ने लूटा था, और इन्हीं सूर्यसेन को जो था 1934 में जो था इसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी। और भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको सॉन्डर्स हत्याकांड के लिए जो था लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर इन लोगों को जो था 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो यदि भगत सिंह का पूछता है या सुखदेव और राजगुरु, अलग अलग करके भी परीक्षा में पूछ देता है कि राजगुरु की फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। यहाँ महादेवी पहाड़िया, सह्याद्री पर्वत और सतपुरा, सही अनुक्रम आपको इसमें बताना है। तो आपका इसमें सबसे पहले जो आता है आपका महादेव पहाड़िया, उसके बाद जो है सतपुरा, और उसके बाद जो है आपका सह्याद्री पर्वत। सतपुरा की पहाड़िया जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ये भी प्रश्न पूछता है कि ये कहाँ पर है, तो सतपुरा की पहाड़िया जो है आपका मध्य प्रदेश में है। यह जो है ज्वालामुखी चट्टानों से जो है बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और आपका सह्याद्री जो ये जो आपका पर्वत है आपका पश्चिम भारत में पड़ता है। तो इसका सही जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व वन क्षेत्र में किन वन के क्षेत्रों के फैलाव की प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो है आपका शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, शीतोष्ण जो शंकु वृक्षी वन का फैलाव है इसका जो परसेंटेज है विश्व में जितने भी वन है सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर वर्णन करना है। तो परतदार चट्टान में जो होते हैं आप जानते हैं कि परतदार चट्टानों में जो होते हैं जीवाश्म पाए जाते हैं, और परतदार चट्टानों में विशिष्ट रूप से परत पाई जाती है, और इसलिए हम लोग परतदार चट्टानों को जो है अवसादी चट्टान भी कहते हैं। चलते हैं, तो इसका सही जो आपका आंसर होगा जी, इसमें चारों जो ऑप्शन है आपके सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। चार ऑप्शन है, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर एवं कैस्पियन सागर। यानी कहने का तात्पर्य है कि ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ नहीं होता है, किस सागर में नहीं होता है। तो आपका ज्वालामुखी का उद्गार जो है वो आपका बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पर पाए जाते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किसे कहा जाता है, तो जो है आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रेणिया की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली जो श्रेणी है इसकी अनुमानित आयु आपको बताना है। तो इसका जो अनुमानित आयु है आपका 370 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणिया की अनुमानित आयु जो है 370 मिलियन वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्लैक होल का आप लोग ब्लैक होल के बारे में पढ़े होंगे। अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है? तो ब्लैक होल आप सभी जानते हैं, तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में क्या है, एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण जिसको हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं वो बाहर नहीं आने देता है, इस गुण के कारण जो होता है बहुत उच्च घनत्व। इसका सही जो आंसर होगा आपका बहुत उच्च घनत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? वहां ऐसा देश है हमारे वर्ल्ड में जहां महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए सैन्य सेवा क्या है, काफी अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका इजराइल। इसराइल जो आप सभी जानते हैं, इसराइल में जो है महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस ट्रेन में के प्रत्येक यात्री को सामान लाने और पहुंचाने, आराम करने के लिए विशेष लाउंज और टैक्सी तथा 25 लाख रुपए की रेल की मुफ्त बीमा प्रदान करने जा रही है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रेन है आपका तेजस एक्सप्रेस, जो आपका लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई भी जा रही है, जिसमें 25 लाख रुपए तक मुफ्त रेल बीमा, उसके अलावा विशेष प्रकार के लॉन्ग टैक्सी, यहाँ तक कि यदि आपकी ट्रेन लेट होती है 1.5 या 2.5 घंटे से लेट होती है तो उसके अलावा आपको कुछ कैश बैक यानी रिटर्न भी मिलता है। जितना आपका लेट होगी ट्रेन समय निश्चित दूरी से समय पर यदि नहीं पहुँचती है तो आपको जो है उसके लिए भी आपको तेजस जो है, तेजस जो कंपनी चला रही है वो आपको कुछ पैसे जो है रिटर्न करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो आप सभी जानते हैं कि घूमर जो है हरियाणा, ये जो पहला ही ऑप्शन है घूमर हरियाणा, ये जो है आपका बेमेल है। बाकी तमाशा जो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र सही है, कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाउल जो है आपका पश्चिम बंगाल का, लेकिन घूमर जो है हरियाणा का नहीं है, धूमर जो है आपका राजस्थान का, यहाँ जो है आपका हरियाणा दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो जब 1956 में भारत राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था तो उस समय जो था मानभूम, मानभूम जो है मानभूम को जो था जी जी बंगाल में शामिल किया गया था। आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है बंगाल से विधिवत रूप से 1912 में जो था अलग हुआ था, और 1936 में जो है आपका उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। एक्चुअली बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्नों का समावेशन किया ही जाता है। तो आपको 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ और 1948 में बिहार का कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को दिया गया था, और फिर पुनः आपका 2000 में जो था 2000 ईस्वी में जो था आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार की नदियां और उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत है, इस गलत जोड़ा को इंगित करें। इसमें मतलब बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो जाकर दूसरे नदी में समाहित हो जाती है, तो इसमें से आपको जो गलत जोड़ा है उसको बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा पुनपुन। पुनपुन जो है दामोदर में नहीं जाती है, बाकी आपका सरजू नदी गंगा में मिलती है, कमला नदी कोसी में मिलती है, और उत्तर कोयल नदी जो है सोन नदी में। तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। जी जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत की पठार आप सभी जानते हैं कि तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये तिब्बत का पठार को हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा पठार मानते हैं, और पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 4 किलोमीटर है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 4 किलोमीटर है। और तिब्बत का पठार आपको मैं बता देता हूँ, हिमालय के उत्तर और क्यूनुल पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आपका ये जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था, तो भारत जो यूनान राज्य था वो जो था बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया भारत में यवन राज्य के जो संस्थापक थे डेमेट्रियस थे, और इनके शासनकाल में अपनी राजधानी बनाई थी, और इसी ही ने जो था हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा था, इसको हम लोग हिंदी यूनानी, हिंदू यूनानी के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जी, चार ऑप्शन है आपके पास, नंद, मौर्य, शुंग और कन्नौज। जी, तो सिकंदर के हमले के समय जो था उत्तर भारत में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश के शासक जो था घनानंद, उसका शासक था। तो नंद इसमें सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए समय काफी कम है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रतिदिन हमारे द्वारा दिए गए आप प्रैक्टिस सेट को जरूर एक बार देखिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए कितने लाभदायक है। इससे पहले भी मैं जितने सारे प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, यदि आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर एक बार उसको देखिए। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये जो था आपका बालाजी विश्वनाथ ने, संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था, और 1750 में जो था संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कि दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तो अपना प्रथम जो सत्याग्रह था चंपारण, बिहार के जो था चंपारण में शुरू किए थे, और बिहार में एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, और यहीं पर चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को जो था समाप्त करना पड़ा, और 1916 में जो था गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक जो था साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और आपका 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं का आंदोलन चलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी किस आधार पर बनी थी? तो ये जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। आप सभी जानते हैं कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसके तहत भारत सचिव के अधिकारों को कटौती की गई, और इसका वर्तन जो था ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का जो था प्रबंध किया गया था, और 1920 में जो था सर विलियम्स मेयर को भारत का प्रथम उच्चायुक्त भी नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1943 में भारत आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तब सभी जानते हैं आजाद हिंद फौज जो था 1943 में सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी, और चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आप सभी जानते हैं, और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो था जर्मन भाषा में दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी तो जो था हिटलर ने कहा था। तो आजाद हिंद फौज आप समझ गए, सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। भारत विभाजन का वाल्कन प्लान किसका उपज था? वाल्कन प्लान जो था किसका उपज था? तो ये जो था वाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो था उपज था, और माउंटबेटन ने अपने विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है, और भारत के राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान जो था विभाजन है, और पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया था, और भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागा या शामिल होने का भी अधिकार दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो ये जो है आपका मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग, मेकांग नदी का उद्गम जो स्थल है तिब्बत का पठार है, और
तिब्बत का पठार, अभी हम लोग चर्चा भी की है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और तिब्बत का पठार जो है सबों तरफ से इसकी औसत ऊंचाई जो है 4 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कुछ आपको संस्था है और वह स्थान है उसका जो है आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, शर्करा यानी चीनी, ये जो है आपका कानपुर में पड़ता है यूपी में, और मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है आपका हैदराबाद में पड़ता है, और सैन विधि संस्थान जो है आपका सैन एक काउंटी में, और उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है आपका पुणे में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एनडीटीवी के रवीश कुमार को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मैं इसका चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि रमन मैग्सेस पुरस्कार से जो नवाजा गया है रवीश कुमार जी का जन्म जो हुआ था आपका पूर्वी चंपारण में हुआ था, पूर्वी चंपारण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जी, तो इसका सही जो आंसर होगा जैव कृषि। जैव कृषि जो है आपका, आप सभी जानते हैं कि कृषि क्रिया जैव कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और सिक्किम, अभी मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि सिक्किम भारत का प्रथम राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खाद का प्रयोग कर रहा है। और कभी कल परीक्षा में आपका झूम खेती के बारे में पूछता है कि झूम क्या है, नृत्य है या खेती है? तो झूम एक प्रकार की खेती है जो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के लोगों को खेती करने का एक जो है तरीका है, खेती करने का तरीका है आपका झूम खेती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस केंद्रीय संस्था ने एम आधार ऐप लॉन्च किया है? तो एम आधार ऐप जो है आपका, ये जो है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के किस विश्वविद्यालय में बिहार का पहला लेक्चर स्टूडियो बनाया जाएगा? बिहार का पहला लेक्चर स्टूडियो जो है आपका, ये जो बनाया जाएगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर में जो है लसिका कोशिका का जो है निर्माण होता है, यह जो होता है बृहद अस्थि, बृहद अस्थि में होता है, और लसिका में जो पाई जाती है कणिका, उसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। और लसिका जो है घाव भरने में काफी सहयोगी होती है, घाव जो है इससे जल्द भर जाता है। और आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका लीवर है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और पित्त रस का जो स्त्रवण होता है, पित्त जो बनता है लीवर यानी एकरी से ही बनता है जो पित्ताशय में जमा होता है, और पित्त रस जो है भोजन को अम्लीय से क्षारीय करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जयांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है डिकोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकोगेमी, आप सभी जानते हैं। और पुंकेसर परीक्षा में पूछता है पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है वो नर भाग होता है, और स्त्री केसर जो होता है वो मादा भाग होता है, और फल का जो निर्माण होता है अंडाशय में होता है। और परीक्षा में भी कभी पूछता है कि ट्रू फॉल, ट्रू फल यानी सत्य फल कौन है? तो ट्रू फ्रूट जो होता है अंडाशय से बनने वाले फल को जो है हम लोग ट्रू फूल कहते हैं। अंडाशय से जो बनता है, जिस फल का निर्माण अंडाशय में होता है, जैसे आपका केला हो गया, उसके बाद अनारस हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया, और एक फ्रूट फॉल्स फ्रूट होता है जिसको असत्य फल या कुट फल कहते हैं। तो कुछ फल का निर्माण जो पुष्प से होता है, फूल से होता है, उसमें फूल लगे रहते हैं, जैसे आपके हो जाएंगे सेब हो गए, कटहल हो गए, नाशपाती हो गए, तो ये सब जो है आपके फॉल्स फ्रूट है। परीक्षा में इसी पर पूछा जाता है कि ट्रू फ्रूट कौन है और फॉल्स फ्रूट कौन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप देख सकते हैं जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होती है तो उसको हम लोग प्लीओट्रोफी कहते हैं, प्लीओट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता? इवेंट, तो इसका सही जो आंसर होगा आपका बियांका एंड्रीस्क्यू। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बियांका एंड्रीस्क्यू ने 8 सितंबर 2019 को महिला यूएस ओपन खिताब जीता है। तो सेरेना विलियम्स भी ऐसे काफी चर्चित खिलाड़ी है, लेकिन इस बार जो जीती है बियांका एंड्रीस्क्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परमाणु में उप कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि किसी परमाणु के जो उप कक्षा होते हैं उसको भरने के लिए जो होता है आपका हुंड का नियम का प्रयोग किया जाता है। हुंड का नियम आप सभी जानते हैं।
और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के क्रमिक प्रवेश जो होता है ऑफ बाउ सिद्धांत कहलाता है, और एक पाउली का अपवर्जन सिद्धांत होता है, वह बताता है कि एक ही परमाणु उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या जो होता है एक समान नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दबावों की बोतल में अक्सर सिलिका जेल की एक छोटा सा पाउच डाला जाता है, उसका क्या कारण है? आप सभी जानते हैं कि जब दवा का बोतल होता है तो उसमें एक छोटी सी जेल होती है, पाउच होती है, उसमें सिलिका जेल रहता है। तो सिलिका जेल क्यों डाला, इसका क्या काम है? तो ये होता नमी को अवशोषण करती है। एक्चुअली ज़्यादा नमी में जो होती है मेडिसिन खराब होने का डर रहता है, तो उसको जो है अवशोषण करती है, उस सिलिका जेल जो है उसको नमी को जो है अवशोषित कर लेती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया, यह क्या है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है, इसका उल्लेख किया गया है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 में जो है, आर्टिकल 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है, और अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजित के विषय के अवसर की समता है, और अनुच्छेद 17 में आप सभी जानते हैं अस्पृश्यता का अंत। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का जो अंत है 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 17 यहाँ सीधे पूछता है कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता के अंत से, और आर्टिकल 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये जो है राज्य की समेकित निधि से, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन, सैलरी और जो भी उनके अलाउंस होते हैं, डियरनेस अलाउंस होते हैं, वे राज्य के ही समेकित निधि से दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 अगस्त 2019 को कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका सही जो आंसर होगा एस धामी। एस धामी को भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के इस बात से भिन्न है क्योंकि क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये जो है आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है उत्तर प्रदेश से, भीमराव अम्बेडकर जो है आपके, जी, सभी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है एक्चुअली यहाँ उत्तर प्रदेश दिया है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल में जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल में। हाँ ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है जी, ये जो है वेस्ट बंगाल से इनका जो था निर्वाचन हुआ था, आप सुधार कर लेंगे। और भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अंबेडकर को भारतीय संविधान का जो है निर्माता भी माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को, अजय कुमार भल्ला को जो है आपका भारत के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं अगला प्रश्न देख सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का क्या है? तो 1 रुपए का सिक्का जो है ये इसका सही आंसर होगा सीमित ग्राह वैधानिक मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, करंट अफेयर का है। 21 अगस्त 2019 को बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये जो बना है आपका पेटीएम, पेटीएम बीसीसीआई का जो है टाइटल स्पॉन्सर बना है। कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? तो ये जो होता है 15 महीना से कम। अगला प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक मेजर जनरल जीडी बख्शी थे। महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार का आगमन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का पहली बार आगमन 1917 में चंपारण में हुआ था। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो दो हिंदू देवता थे आपके ब्रह्मा एवं विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न को। विश्व में जंगली गद्दा एकमात्र जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है कच्छ के रण में जो है जंगली गद्दा पाया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य देवदासी नृत्य की परंपरा और विरासत नहीं है? तो ये जो है आपका मणिपुरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है शिवहर, शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और बिहार की सर्वाधिक आबादी वाला यदि जिला पूछता है तो आपका पटना होगा, और सबसे कम आबादी जिल वाला जिला आपका शेखपुरा होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में भारत का जो स्थान है 12वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का जो स्थान है 3रा है। और नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बना। अब वर्तमान झारखंड की जो राजधानी है आपकी रांची है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला वीडियो तुरंत जल्द ही आपके सामने हम लेकर आएंगे। थैंक यू।